सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन टेक चैनल को और इस बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन में पाने के लिए। क्या आप भी उस वाईफाई का पासवर्ड जानना चाहते हैं जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं और आप अपने फ़ोन को रूटेड भी नहीं करना चाहते और इसके साथ साथ आपके पास एक MI या Xiaomi का फ़ोन है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह अपने मोबाइल में जो वाईफाई आपके मोबाइल में सेव है आप उसे किस तरह देख सकते हैं। इसके लिए ना आपको किसी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी किस्म की आपको यहाँ पर HTML की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि हम सिंपल वे बताएंगे आप किस तरह अपने किसी भी MI फोन में कनेक्टेड वाईफाई का पासवर्ड किस तरह देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो शुरू करते हैं टेक की बात ऑनलाइन टेक के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुबीन और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टेक चैनल। बेसिकली ये वाईफाई की एक ट्रिक है जो कि हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह MI के किसी भी फ़ोन में किसी भी फ़ोन को रूट किए बिना कि कनेक्टेड वाईफाई का पासवर्ड देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, ट्रिक आती है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले आप अपनी सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग ओपन करने के बाद आप वाईफाई पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप जिस वाईफाई से कनेक्टेड होंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होगा टैप टू शेयर पासवर्ड। आप सिंपली टैप टू शेयर पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने एक QR कोड आ जाएगा। तो आपको करना यह है कि आपने इस QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आपको नहीं पता कि MI फोन में किस तरह स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है तो आप सिंपली 3 फिंगर को स्लाइड कीजिए और आपके पास स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो अब हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो नेक्स्ट स्टेप आपको यह करना होगा कि आपने सिंपली अपने फ़ोन के जो टूल होता है, टूल बॉक्स है अपने MI के फ़ोन में, उसमें जाना है और वहां से आपने स्कैनर को ओपन कर लेना है। स्कैनर को ओपन करने के बाद आपने सिंपली ऊपर इस आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपनी गैलरी में से उस इमेज को सिलेक्ट करना है जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह सा पेज आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वाईफाई, नीचे लिखा हुआ है SSID पिक्सेल BB, यानी कि जिस वाईफाई का हमने स्क्रीनशॉट लिया था उसका SSD पिक्सेल BB था। उसके बाद पासवर्ड के आगे आगे स्टार बने हुए हैं और नीचे लिखा हुआ है सिक्योरिटी VPA। तो आपने पासवर्ड देखने के लिए सिंपली यहाँ पर टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके सामने पासवर्ड शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पासवर्ड शो हो चुका है। अब मैं आपको ये प्रूफ भी दे देता हूँ कि क्या ये पासवर्ड सही है या गलत। तो सबसे पहले मैं अपनी सेटिंग को ओपन करता हूँ। सेटिंग को ओपन करने के बाद सबसे पहले पिक्सेल BB को मैं फॉरगेट कर लेता हूँ। फॉरगेट करने के बाद मैं सिंपली पिक्सेल BB पर क्लिक करके वही पासवर्ड जो कि पिक्सेल 1 था उसे लगाकर ट्राई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने वही पासवर्ड लिखा है और उसके बाद सिंपली कनेक्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ऑप्टेनिंग IP एड्रेस हो रहा है और हमारा वाईफाई कनेक्टेड हो चुका है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फाइनली मिलते हैं कोई अगली नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।